हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। आज हम सीखने वाले, समझने वाले, जानने वाले अबाउट द टू मोड्स, दैट इज ट्रांसपोर्ट मोड एंड टनल मोड। आपका बेसिकली जो आईपी सेक यानी कि आपका आईपी सिक्योरिटी जो है वो दो मोड्स में ऑपरेट करता है, प्राइमरली ट्रांसपोर्ट मोड एंड टनल मोड। अब वो ये है क्या, इनकी बेसिक आइडिया क्या है, इन मोड्स का बेसिक इंटेंशन क्या है, इनकी बेसिक फीचर्स क्या है, वो समझने की अभी हम लोग इस वीडियो में कोशिश करने वाले हैं। आपका हमेशा की तरह कम टाइम लूंगा और ज्यादा कंटेंट आपको इस वीडियो के थ्रू दूंगा। सबसे पहली बात तो ट्रांसपोर्ट मोड की बात करते हैं कि यहाँ पे होता क्या है, बेसिक इंटेंशन क्या है इस मोड का, कि वो पेलोड को तो इंक्रिप्ट करता है लेकिन आईपी हेडर को ऐसे ही छोड़ देता है। मतलब पेलोड इज गेटिंग इंक्रिप्टेड बट आईपी हेडर इज नॉट गेटिंग इंक्रिप्टेड हियर। इंक्रिप्ट करना मतलब क्या, यहाँ पे पेलोड को इंक्रिप्ट करना मतलब क्या कि अगर आपका पेलोड प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो आप उसे इंक्रिप्ट करते हो इनटू अ साइफर टेक्स्ट व्हिच इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, व्हिच इज नॉट रीडेबल। ओके, तो जो भी इंट्रूडर आएगा वो समझ नहीं पाएगा कि पेलोड आखिर कहना क्या चाहता है, उसमें से कोई पैटर्न को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इस तरीके से हम उसे इंक्रिप्ट करते हैं, लेकिन आईपी हेडर तो वैसे ही रह जाता है, आईपी हेडर को आप इंक्रिप्ट ही नहीं करते। तो अगर इसको और अच्छी तरह से समझना है तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये आपका ओरिजिनल पैकेट होता है। ओरिजिनल पैकेट में आपकी बेसिकली दो फील्ड्स हैं, यहाँ पे आपका पेलोड है यानी ओरिजिनल डेटा और ये है आपका आईपी हेडर। अब इन दोनों के बीच में मैं एक आईपी सिक्योरिटी हेडर डाल देता हूँ, इन दोनों के बीच में एक आईपी सिक्योरिटी हेडर डाल देता हूँ, वो इस तरीके से होता है। अब वो आईपी सिक्योरिटी के हेडर आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक तो आप AH हेडर ले लो या ESP हेडर ले लो, दोनों में से कोई भी एक हेडर यहां पे आप डाल सकते हो एज अ आईपी सिक्योरिटी हेडर। अभी आईपी सिक्योरिटी हेडर क्या करता है, इसके आगे वाली जो फील्ड्स हैं उसको इंक्रिप्ट करता है। आईपी सिक्योरिटी हेडर के आगे वाली फील्ड यहां पे क्या पेलोड है उसे पूरी तरीके से इंक्रिप्ट करता है। तो यहां पे पेलोड तो इंक्रिप्ट हो गया, लेकिन जो आईपी सिक्योरिटी आईपी सेक हेडर के पीछे जो है फील्ड यानी कि आईपी हेडर उसे ऐसे ही छोड़ देता है, उसे वो इंक्रिप्ट नहीं करता, उसे वो छूता नहीं, उसे वो टच नहीं करता, उससे वो दूर ही रहता है। तो आईपी हेडर यहां पे इंक्रिप्ट नहीं हुआ, पेलोड आपका इंक्रिप्ट हुआ एंड यू हैव इंसर्टेड अ आईपी सेक हेडर। तो ये जो पैकेट बनता है इसे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट मोड पैकेट। तो ये आपका ओरिजिनल पैकेट था, ओरिजिनल पैकेट से आपने इसे ट्रांसपोर्ट मोड पैकेट में किया और ट्रांसपोर्ट मोड पैकेट में आप देख सकते हो कि आपका पेलोड पूरा इंक्रिप्टेड है व्हाइल योर आईपी हेडर इज नॉट इंक्रिप्टेड। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये की पॉइंट है ट्रांसपोर्ट मोड का। अब आ जाते हैं टनल मोड के ऊपर। भाई टनल मोड ऐसा क्या अलग करता है, तो टनल मोड क्या करता है, पेलोड को तो करता ही इंक्रिप्ट एज वेल एज आईपी हेडर को भी इंक्रिप्ट करता है। तो अगर यहां पे देखोगे आपका ओरिजिनल पैकेट है और ये आपका कहलाता है टनल मोड पैकेट। टनल मोड पैकेट में क्या किया, ये जो आपका आईपी हेडर है एज वेल आपका पेलोड है इन दोनों को हम लोग इंक्रिप्ट करते हैं। कैसे, बाय इंसर्टिंग अ आईपी सेक हेडर। अब ये आईपी सेक हेडर कोई भी हो सकता है, आईपी सेक हेडर आपका AH हेडर हो सकता है, ESP हेडर होता है, ये आईपी सेक हेडर कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आईपी सेक हेडर यहां पे इंसर्ट किया। इसके बाद वाली जो फील्ड है आईपी सेक हेडर के बाद वाली जो फील्ड है यानी आईपी हेडर एंड पेलोड इन दोनों को इंक्रिप्ट कर दिया, बराबर। तो ये दोनों के दोनों आपके यहाँ पे इंक्रिप्ट हो गए और इसको एज अ न्यू पैकेट करके हमें यहाँ पे न्यू आईपी हेडर भी इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट हमने इंसर्ट किए हैं, एक तो आईपी सेक हेडर इंसर्ट किया, आईपी हेडर और पेलोड को इंक्रिप्ट किया और फाइनली लास्ट में आईपी न्यू हेडर भी इंसर्ट किया। और ये जो अभी मेरा पैकेट बनके तैयार हुआ है इस पैकेट को बोलते हैं टनल मोड पैकेट। ये आपका टनल मोड पैकेट है। टनल मोड पैकेट की क्या खूबियां है, वो ये है कि आपने एंटायर पैकेट को कंसिडर किया, मतलब सिर्फ पेलोड को इंक्रिप्शन के लिए कंसिडर नहीं किया, आपने एंटायर पैकेट को कंसिडर किया, पेलोड को भी और आईपी हेडर को भी, दोनों को, जो ओरिजिनल पैकेट था उस पूरे के पूरे पैकेट को आपने इंक्रिप्ट करने की कोशिश यहां पे की है, आईपी हेडर और पेलोड दोनों को इंक्रिप्ट कर दिया और फिर उसमें ऑब्वियसली एक न्यू आईपी हेडर ऐड करके उसे सेंड कर दिया, ओके, फ्रॉम द सेंडर साइड ऑब्वियसली। एंड दिस इज कॉल्ड एज अ टनल मोड पैकेट एंड दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसपोर्ट मोड पैकेट। एक और खूबी मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पे अबाउट दीज टू मोड्स कि यहां पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये मेरा एक होस्ट है, This is another host, बराबर, ये A है, ये B है और ये मेरे gateways हैं, मतलब ये मेरा जो network है, ये host A का जो network है, उसका ये gateway G1 है और ये host B का जो मेरा network है, उसका ये gateway G2 है, बराबर। तो transport mode जो है, वो कैसे communicate करता है, transport mode में क्या होता है, कैसा कम्युनिकेशन होता है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन होता है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन इज परफॉर्म इन द ट्रांसपोर्ट मोड। और टनल मोड में क्या होता है, टनल मोड में गेटवे टू गेटवे कम्युनिकेशन यहाँ पे परफॉर्म होता है। क्या होता है, गेटवे टू गेटवे, मतलब एक नेटवर्क के गेटवे से दूसरे नेटवर्क के गेटवे तक आपका यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है। और ये जो एरिया है, ये एरिया आपका नॉर्मली इंक्रिप्टेड होता है, यहाँ से इस गेटवे से लेके इस गेटवे तक जो एरिया होता है वो नॉर्मली इंक्रिप्टेड होता है, ताकि आपका जो डेटा है वो सेफली एक गेटवे से
दूसरे नेटवर्क के गेटवे तक पहुंच सके. दिस वॉज द मेजर डिफरेंस एंड द फीचर्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट मोड एंड टनल मोड दैट आई हैव डिस्कस्ड हियर. अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, काफी शॉर्ट वीडियो था जिसमें मैंने आपको जितना कंटेंट हो सकता था अबाउट दीज टू मोड्स वो डिलीवर कर दिया है. अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो लाइक कर दीजिए और जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ. एग्जाम काफी नजदीक आ रही है, मेरी मदद उन तक पहुंचाइए बाय शेयरिंग माय वीडियोस. थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.